इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आप देख रहे हैं खबरों के तूफान का स्पेशल बुलेटिन ब्रेकिंग न्यूज, और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है राजधानी दिल्ली से। आपको बता दें कि बारिश से राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में जाम लग गया है। दिल्ली के इलाकों में सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। आईटीओ पर लंबा जाम लगा हुआ है। अंडरपास तक पानी में डूब गए हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार पीछे तक आपको नजर आ रही है, क्योंकि भारी बारिश के बाद सड़कों में पानी भर गया है। और यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति इसलिए हो गई है क्योंकि लोग आगे इस पानी में बढ़ नहीं पा रहे हैं। आईटीओ की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा जंतर मंतर पर भी देखिए सड़कों पर कैसे पानी भर गया है। ये एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता है, वो सड़क है जहां पर काफ़ी पानी भर गया है। सड़क के किनारे बाइकें खड़ी हुई हैं और बहुत धीरे धीरे जो चार पहिया वाहन है वो अपनी गाड़ी की लाइटों को जलाकर आगे बढ़ रहा है। ये देखिए ये जो डेली ट्रांसपोर्ट DTC की बस है उसमें उसके टायर भी पानी में डूबे हुए हैं। ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें, उस रास्ते की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश से आईटीओ पर इस वक्त किस तरह लंबा जाम लगा हुआ है, गौनिका अरोड़ा की इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में आज सुबह से हो रही बारिश जहां एक तरफ दिल्ली वालों के लिए राहत लेकर आई है, गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है, लेकिन उसके साथ साथ ट्रैफिक की समस्या भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शुरू हो गई है, क्योंकि ऑफिस जाने का वक्त है। ऐसे में कई लोग घर से निकल रहे हैं ऑफिस की तैयारी करके, लेकिन उसी बीच लोगों को बीच रास्ते बारिश मिल रही है, तो ऐसे में कुछ इस तरीके से लंबा ट्रैफिक जाम आईटीओ पर लग गया है। आईटीओ की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आईटीओ के सिग्नल से लेकर पूरा पीछे तक इस वक्त ट्रैफिक जाम लग गया है। यमुना के ब्रिज तक ये पूरा ट्रैफिक जाम है और धीरे धीरे करके गाड़ियां यहां से निकल तो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद गाड़ियों की रफ्तार बारिश की वजह से काफ़ी धीमी है। दूसरी तरफ की तस्वीर भी दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिग्नल है। ऐसे में नोएडा से दिल्ली या गाज़ियाबाद से दिल्ली आने वाले लोग सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जो लोग इस वक्त काम के लिए निकले हैं लेकिन उन्हें कुछ इस तरीके से परेशानी हो रही है, और पिछले करीब आधे घंटे से बारिश हो रही है। और जो टू व्हीलर पर लोग हैं वो अपने वाहनों को एक तरफ पार्क करके छत के नीचे खड़े हैं ताकि कुछ बारिश से बचा जा सके और बारिश के रुकने का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, ऐसे में ऐसा लग नहीं रहा है कि अगले कुछ वक्त तक बारिश बंद होगी, और लोगों को अभी भी बारिश की वजह से जो परेशानी है वो झेलनी पड़ सकती है। धीरे धीरे करके ये ट्रैफिक जाम निकल तो रहा है, लेकिन अभी भी गाड़ियों की जो कतार है वो पीछे लंबी लगी हुई है। और जैसे जैसे बारिश तेज हो रही है वैसे वैसे अलग अलग जगह पर वाटर लॉगिंग हो रही है, और वाटर लॉगिंग की वजह से गाड़ियों की रफ्तार और ज़्यादा कम हो गई है। दिन में ही अंधेरा जैसा हो गया है, ऐसे में लोग गाड़ियों की हेडलाइट्स चलाकर वाहन चला रहे हैं। लेकिन ये दिल्ली के आईटीओ की तस्वीर है। ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बनी हुई है। लोगों को आज जाहिर तौर पर दफ्तर पहुंचने में देरी हो सकती है। जो लोग घर से निकल भी रहे हैं दफ्तरों के लिए वो भी ये सोचकर निकले कि आज उन्हें 1 से 2 घंटा ट्रैफिक जाम में कई जगह पर फंसना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन ऐसे ही पैची रेन दिल्ली में हो सकती है, और उसके बाद 6 सितंबर के बाद फिर से बरसात का दौर शुरू हो सकता है। 15 सितंबर के बाद मौसम का विड्रॉल दिल्ली NCR में होगा। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया TV, दिल्ली। आईटीओ को प्रगति मैदान से जोड़ने वाले अंडरपास में भी पानी भरा हुआ है। गौनिका अरोड़ा की एक और रिपोर्ट देखिए। दिल्ली NCR में पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अलग अलग इलाकों में जलभराव भी शुरू हो गया है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आईटीओ से प्रगति मैदान जाने वाली सिग्नल पर, जहां पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया है, और जिसकी वजह से गाड़ियां जो है वो अब धीरे धीरे करके यहां से निकल रही हैं, जिसकी वजह से इस सिग्नल से लेकर पूरे आईटीओ तक लंबी कतार गाड़ियों की लगी हुई है। और इस तरीके की तस्वीर सिर्फ दिल्ली के इस इलाके की नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों की है। रेलवे ब्रिज के बिल्कुल नीचे ये अंडरपास है जहाँ पर ये पूरा पानी इस वक्त भर गया है। कई गाड़ियों के आधे आधे टायर तक डूब गए हैं, और जो दोपहिया वाहन है वो बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि अभी बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में यहाँ पर और ज़्यादा पानी भर सकता है। खासतौर पर जो दोपहिया वाहन है वो बीच में ही बंद पड़ रहे हैं, लोगों को यहाँ से निकलने में समस्या हो रही है। और ये तस्वीर सिर्फ आईटीओ की इस जगह की नहीं बल्कि आईटीओ से प्रगति मैदान जाने वाली, मंडी हाउस जाने वाली
पूरी रोड की। आप देख सकते हैं कि बीच में एक बाइक अंदर बंद पड़ गई है, लोगों को धक्का मारकर बाहर निकालना पड़ रहा है, और क्योंकि एक तरफ काफी ज्यादा पानी भर गया है जिसकी वजह से सिर्फ एक किनारे से ही गाड़ियां निकल पा रही हैं। ऐसे में ऐसी ही अगर परेशानी चलती रही, ऐसे ही पानी और ज्यादा भरता गया तो यहाँ पर और भी लंबा जाम लग सकता है। दूसरी तरफ की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं क्योंकि पूरी जगह इस वक्त पानी भर रहा है। ये रोड सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता है, सुप्रीम कोर्ट के नए बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर के प्रमाइसिस के बाहर भी पानी भर गया है, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे पानी भर गया है, हर जगह पर इस वक्त दिल्ली में वाटर लॉगिंग हो गई है। तो गौनिका अरोड़ा की ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको कनॉट प्लेस के पास से हमारे संवाददाता जतिन शर्मा की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। दिल्ली में जोरदार बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर जलभराव की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। इस वक्त हम नई दिल्ली के शिवाजी ब्रिज मेट्रो स्टेशन के सामने मौजूद है और आप यहां पर देखेंगे कि किस कदर पूरी सड़क पर जो पानी है वो अब यहां पर जमा हो गया और गाड़ियां भी एक लेन का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही हैं। पानी इतना सड़क पर भर गया कि फुटपाथ और सड़क में अंतर बता पाना बेहद मुश्किल है। आप देखेंगे जो शख्स सामने से गुजर रहा है, लगभग घुटनों तक पानी जो है वो उस शख्स के साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सुबह से ही दिल्ली में बादल छाए हुए थे और देखते ही देखते बारिश शुरू हुई और जोरदार बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाड़ी का आधा टायर आप देखेंगे वो पानी में डूबा हुआ है, सड़क से लेकर फुटपाथ तक जो पानी है वो भरा हुआ है। और ये तस्वीर नई दिल्ली इलाके की है, बंगला साहब गुरुद्वारे के पास ही ये मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर की आप ये सड़क देख रहे हैं जहाँ पर जबरदस्त जल भराव देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे डीटीसी बस भी सामने से आ रही है, सामने का जो हिस्सा है वो लगभग पानी को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर पानी जो है वो दिल्ली की सड़कों पर भरता हुआ नजर आ रहा है। अक्सर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं जब दिल्ली में बारिश होती है और उसके बाद जल भराव की तस्वीरें सामने आती हैं। प्रशासन ये दावे करता है कि वो सुधार कर रहा है, दिल्ली को पानी नहीं भरने देंगे दिल्ली की सड़कों पे, लेकिन बारिश के बाद की तस्वीरें कुछ इसी तरीके की सामने आती हैं जब दिल्ली की सड़कों पर जलभराव से आम जनता को परेशान होना पड़ रहा है। कैमरामैन राजा के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।